Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anvesha Mukherjee. You're watching Simple Tips Anvesha. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, please go ahead, click that red subscribe button and बाजू में जो बेल है छोटा सा टिंग 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 उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहे whenever I post new videos. You can also follow me on Instagram and on Facebook. Do give this video a big like क्योंकि आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस या फैट लॉस. अब इसमें शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि जब मैंने अपना खुद का वेट लॉस फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था मेरा फोकस सिर्फ वेट लॉस के ऊपर थी, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी आइडिया बिल्कुल नहीं थी कि फैट लॉस क्या है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं. आई एम श्योर आप में से जितने मुझे देख रहे हैं बहुत लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होगी. आपने बस वेट लॉस के बारे में ही सुना है, फैट लॉस शायद आपने सुना नहीं होगा, और अगर सुना भी है तो आपने उस पर कभी गौर नहीं किया होगा. कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था. तो ये वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या होते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी अपने लाइफ से, मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुआ है. मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी लास्ट ईयर अगस्त में स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे पीसीओडी थी एंड आई वाज नेवर ओबीस, लाइक बहुत मोटी कभी नहीं थी, बट ऑफकोर्स ओवर वेट देन माई नॉर्मल वेट. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी माई फोकस वॉज ओनली वेट लॉस. वेट लॉस मतलब अब कम खाऊंगी और कार्डियो करूंगी, यही थी मेरी मेन फोकस. बहुत दोगी हो जाती है, कुछ क्रैश कोर्स क्विक फिक्स डाइट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना जुम्बा डांसिंग यू नो ब्रिस्क वॉकिंग बहुत कुछ यही सब करके आप बहुत लोग ऐसे सक्सेसफुली वेट लॉस कर लेते हैं. बट इन द लॉन्ग रन क्या होती है, यही जो लोगों ने वेट लॉस किया है वो लॉन्ग रन में देखते हैं कि उनकी बॉडी टोन नहीं हो रही है, उनका स्किन लूज हो रहा है, उनको स्ट्रेच मार्क्स हो रही है, उनको मतलब यू नो उनका टोन और शेप नहीं आ रही है. जैसे अभी मुझे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत टोन लगते हो, बहुत फिट लगते हो, बहुत शेप में लगते हो, क्योंकि मेरा फैट लॉस हो रहा है. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ. क्या है ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब आई एम वर्किंग विथ वेट्स, आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ इन माई मसल, आई एम बिल्डिंग अप माई मसल्स. फैट लॉस में क्या होती है, आपकी बॉडी से फैट परसेंटेज कम हो जाती है एंड इट टर्न्स इनटू मसल्स और मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाती है. दैट इज़ व्हाट आर फिटनेस गोल शुड बी, फैट लॉस. बॉडी से जितना परसेंटेज फैट कम होएगा उतना ज़्यादा आपका मसल बिल्डिंग में एंड मसल स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होगी. सो मसल्स के अंदर देर इज दिस माइटी पावर हाउस ओके ऑफ योर बॉडी विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया विच हेल्प्स इन ऑल्सो बर्निंग फैट्स, ठीक है. सो द स्ट्रॉन्गर योर मसल गेट्स द ईजियर फॉर यू टू बर्न फैट एंड गेट दैट टोन एंड शेप, ओके. गलती जो हम बहुत बड़ी करते हैं वेन वी आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी इज दैट हम कभी कभी वेइंग स्केल में देख रहे हैं कि हमने अपना वेट लॉस कर लिया है, चाहे 2-3 किलो 4-5 किलो घटा लिया है, बट हमें ये आइडिया नहीं हो रहा है कि हम क्या लूज करें. आर वी लूजिंग आर फैट, आर वी लूजिंग द वाटर कंटेंट ऑफ आर बॉडी, और आर वी लूजिंग आर मसल. क्योंकि एक्सेसिव वेट लॉस में अगर आप एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो, कोई क्रैश कोर्स डाइट कर रहे हो, आप अपने वेट मतलब जो केजीज है किलोग्राम के साथ साथ आप अपने मसल्स को भी बहुत बार लूज कर देते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है. आपको फैट लूज करना है, मसल नहीं लूज करना है. मसल को रिटेन करना है, उसको स्ट्रांग करना है, उसको स्ट्रांग करना है, वही होगी आपकी एक्चुअल टारगेट, ओके. तो वेट लॉस में बहुत बार हम अपने मसल को भी लूज कर देते हैं फैट के साथ साथ. हमें क्या करना है, मसल को रिटेन करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है, बस बॉडी से फैट परसेंटेज हटानी है. इसलिए फैट लॉस, इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वेट लॉस और फैट लॉस में, फैट लॉस लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है. वेट लॉस कोई 1-2 महीने में कोई क्रैश कोर्स करके भी, भूखा रह के भी, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करके, डाइट करके, कैसे भी आप कर लेते हो, बट वो सस्टेनेबल जैसे मैं कह रही हूँ नहीं होती है. फैट लॉस में आप टोन्ड होंगे, बॉडी में बहुत चेंजेस होंगे, बहुत स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, लीनर बन जाओगे, फिटर बन जाओगे, मस्कुलर बन जाओगे. देर आर लाइक अ होल लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फैट लॉस, ठीक है. अब आप कैसे कर सकते हो फैट लॉस, आप फैट लॉस कर सकते हो विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग. फैट लॉस यू विल डेफिनेटली बी ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट, ऑल्सो गुड कैलोरी डाइट, ओके, एंड यू विल बी वर्किंग आउट वेल एट द जिम. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप योगा से कर सकते हो डेफिनेटली, आप वेट लिफ्टिंग से कर सकते हो डेफिनेटली. मसल बिल्डिंग में आपकी फोकस होनी चाहिए. सो जिम में आप अगर वेट्स उठा रहे हो, सही तरीके से वेट्स उठाइए. आप थोड़ा बहुत कार्डियो कीजिए एंड यू फोकस द रेस्ट पार्ट ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ऐसा नहीं कह रही कि रोज़ आप जाके वेट उठाइए, योगा आप रोज़ कर सकते हो, योगा से आपकी मसल पावर इम्यूनिटी बहुत हद तक बढ़ती है. बट अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हो, सो आई विल रिकमेंड यू 4-5 डेज, नॉट मोर देन दैट. फॉर बिगिनर्स 3 डेज इज मोर देन इनफ. If you're advanced, 4-5, not more than that, because your body needs rest, okay? You need to give that rest time to your muscles to recover. Weight training में क्या होती है, क्यों ये fat loss में helpful होती है, क्योंकि
जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो आपकी मसल में वेयर एंड टेयर होती है, जो आप ऑलरेडी जिम में वेट ट्रेनिंग लिफ्ट्स कर रहे हो उससे आपकी मसल में वेयर एंड टेयर हो रही है, आप जब घर वापस आके सो रहे हो या रेस्ट ले रहे हो तब भी आपकी मसल्स में काम हो रही है. दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. फैट लॉस में वो हेल्प करती है, नॉट ओनली एट द जिम, जो कार्डियो में होती है. कार्डियो में आप वेट लॉस तभी कर सकते हो जब आप भाग रहे हो, जब आप डांस कर रहे हो. बट वेट ट्रेनिंग में यू विल लूज योर बॉडी फैट नॉट ओनली व्हेन यू आर वर्किंग आउट बट आल्सो आफ्टर योर वर्किंग आउट, विच मीन्स व्हेन यू आर रेस्टिंग योर स्टिल मसल्स आर एट वर्क. ओके, वेयर एंड टेयर चल रही है, इसको रिपेयरिंग की प्रोसेस चल रही है. सो इट्स अ लॉस्ट ऑफ एनर्जी दैट द बॉडी इज ऑलरेडी यूजिंग अप टू किल दैट फैट. सो दिस इज द नॉर्मल साइंस बिहाइंड वेट लॉस एंड फैट लॉस. So now your focus should be on fat loss. And please, 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 just do not go and weigh yourself on the weighing scale or number dekhke pareshan hairan hone wali baat nahi hai. Agar aap samajh rahe ho ki aap apne body ke purane jo dresses the jo pehle fit nahi hoti hai ab fit ho rahi hai, ya aap samajh pa rahe ho ki inches loose ho rahi hai, you're looking leaner, thinner, much more toned and fitter, finer in the mirror, but maybe weighing scale mein aapki weight same hai, घबराने वाली कोई बात नहीं है. यू आर लूजिंग योर फैट, कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू बी इन द फिटनेस जर्नी. दिस इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. कंटिन्यू करते रखिए इस जर्नी को ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड योर गुड ट्रेनिंग. प्लीज डू नॉट थिंक यू आर गोइंग टू चक इट एंड लीव इट. नो, डू नॉट डू दिस. मेक दिस अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ टिल यू लिव. ओके, फिटनेस शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. जब तक आप जिंदा हो आपको फिट रहना है, एंड यही है अच्छा सही तरीका फॉर फैट लॉस एंड वेट लॉस. आपने स्टार्ट कर दिया वेट लॉस, कूल इनफ, योर टारगेट एम शुड बी फैट लॉस. ओके, दिस वीडियो बिग लाइक एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू.